करोड़ का। प्राइज अर्निंग रेशियो 69.66% और डिविडेंड यील्ड 0.3%। ओपन हुआ था शुक्रवार को दोस्तों 2354.85 रुपया पे, हाई गया था आपका 2379.95 रुपया और लो 2338 पैसा। अब इसका मार्केट कैप क्या है ये बता दिए हम आपको। एक चीज़ और बता दें, ये 52 सप्ताह हाई 2791 रुपया का है और लो 1825.05 रुपया। अब आइए सबसे पहले बताएं कि ये कौन सा स्टॉक है। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि ये स्टॉक आपको 55,556 परसेंट मतलब 1 करोड़ का बना दिया ये आपको, लगभग 55 करोड़ 55 लाख जी, 1 करोड़ का बना दिया 55 करोड़ रुपया आपको कितने साल में, तो ये आपका 22 साल में लगभग 4.27 रुपया स्टॉक का ये दाम था, प्राइस था इसका। अब आइए कुछ और भी जान लें इसके बारे में डिटेल्स। ये कंपनी है टाइटन कंपनी लिमिटेड और टाइटन कंपनी जो है आपका 1 महीना पहले था प्राइस इसका, 1 महीना पहले प्राइस था इसका, देख लीजिए किस स्थिति में। तो ये स्टॉक क्या कहता है आपका, 1 महीना पहले जो प्राइस था1 महीना पहले 2519.05 रुपया का 13 फरवरी को, और उस दिन वैल्यूम था दोस्तों 1.9 मिलियन मतलब कि आपको लगभग 19 लाख वैल्यूम था 13 फरवरी को, और कल है 13 मार्च ठीक है। तो 13 मार्च को ये अब कितना होगा ये हम आपको बता देंगे, ज़रूर बता देंगे दोस्तों। तो ये कहता है क्या कि हम आपको जाएंगे तेईस सौ अंठावन रुपया से हम जाएंगे 23.68 रुपया और 13 रुपया और इसमें से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आ गया 1375.07। अब मतलब ये 2400 रुपया जाएगा और फिर 2400 रुपया से फिर आपको आएगा 2340 रुपया तक, तो 2340 से 2400 रुपया के बीच में ये रहने वाला है। आइए आपको एक चीज़ और दिखा दें जो आपको पता भी चलना चाहिए, और ये स्टॉक जो है टाइटन कंपनी इंडिया लिमिटेड टाटा का प्रोडक्ट है, ये सोने चांदी हीरे मोती और इसके घड़ी चश्मे सारे चीज़ टाइटन के आते हैं, बढ़िया स्टॉक है। उसके साथ ही साथ ये 4 स्टॉक और आपको दिख रहे हैं, 4 स्टॉक और दिख रहे हैं, ग्रेनुअल्स सबसे पहला लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर, तो ग्रेनुअल्स इंडिया लिमिटेड 283 रुपया का स्टॉक है, टाइटन जो है 2375 5% माइनस में है, अगर इसकी
कंपेरिजन करेंगे तो बजाज फाइनेंस का भी कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस अगर तीनों का कैलकुलेशन देखते हैं तो बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा आपको माइनस में है, उसके बाद टाइटन है, उसके बाद ये ग्रेनुलर्स इंडिया है, मतलब ग्रेनुलर्स इंडिया कम के हैं। इसमें आपको और स्टॉक एक अडानी पोर्ट्स शामिल कर देते हैं, तो अडानी पोर्ट्स शामिल कर लेते हैं तो अडानी पोर्ट्स जो है आपको एक महीना की बात देखेंगे तो ये आपको 26% का प्रॉफिट दिया दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट भी अगर इसमें कंपेरिजन करते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी माइनस नहीं किया है आपका, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर इंक्लूड करते हैं, कंपेरिजन करते हैं इसके साथ तो 1.83% का प्रॉफिट दे रहा है। और इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा एक कंपेरिजन करते हैं तो टेक महिंद्रा भी 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा नुकसान कौन दिया है इसमें कंपेरिजन करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका नुकसान बजाज फाइनेंस का है, लेकिन बजाज फाइनेंस अभी उठने वाला स्टॉक है। चलिए प्रीवियस क्लोज टाइटन की बात कर लिया जाए तो 2368 की प्राइस है, और ये डे रेंज की बात करें तो 2338 से 2379। अगर एक साल का रेंज रखेंगे तो 1825 रुपये से 2791 रुपये तक गया है, और इसकी मार्केट कैप देखें तो 2011 करोड़ का है, और ये स्टॉक का नाम है डिविडेंड लीज का कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए जीरो के बराबर है, और ये 20% ऑफ टाइटन्स फेयर वैल्यू एट रिस्क सेज ICICI सिक्योरिटीज़ ने हेयर्स क्यों कहा है इसका भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए दिसंबर 21 में क्या स्थिति है, मार्च 2022 में, जून 2022 में, सितंबर 2022 में, दिसंबर 2023, मतलब बढ़ते रह जाए 1008 के आर पर क्वांटिटी है। क्वार्टरली रिजल्ट है इसका, एनुअल रिजल्ट एनुअल की बात करते हैं तो एनुअल में भी 2022 तक का ये स्थिति है दोस्तों। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़िया है, और ये स्प्लिट होने वाला है बहुत जल्दी, 100 शेयर के बदले 1000 शेयर आपका होगा, मतलब कि प्राइस इसकी अगर आप मान लीजिए कि अभी आज के रेट में प्राइस है 2376 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका लगभग अगर 10 एक का स्प्लिट होता है तो ये हो जाएगा आपको 2300 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिलने वाला है। तो रडार पर रखिए, आने वाले समय में भले ये माइनस में आपको दिखा रहा है ये एक महीना के रेशियो में, तो ये 10% प्रॉफिट भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से मैं ही कामना करते दोस्तों। जय हिंद।